फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे एक वेकेशन पे सीरीज लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज पे वीडियोस बनाऊंगी, और उससे आप उन आइडियाज को यूज करके आप अपने वेकेशन को बहुत ज्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वेकेशन में आप लोगों के बहुत सारी प्लानिंग्स होगी, बहुत सारे लोग घूमने भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम कुछ ना कुछ वेकेशंस में सीख सकते हैं। बहुत लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक होता है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने अभी अभी न्यू हैबिट ली है बुक्स रीडिंग की, या फिर जो ऑलरेडी बुक्स पढ़ चुके हैं, आई थिंक जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्होंने ये बुक्स जरूर पढ़ रखी होंगी, लेकिन जिन्होंने न्यू हैबिट अभी जनरेट करी है बुक रीडिंग की, उनके लिए यहाँ पे मैं ऐसी 5 बुक्स बता रही हूँ जो कि वो वेकेशंस में रीड कर सकते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट बुक है सीक्रेट बाय रांडा बर्न। ये जो बुक है ये एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बताती है कि बहुत फेमस लोग बहुत टाइम से इन ट्रिक्स को अप्लाई करते आ रहे हैं। इसमें ऐसी टिप्स बताई गई हैं जो कि आपको हर एक फील्ड में सक्सेस देंगी, वो चाहे आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाह रहे हैं, चाहे आपके कुछ हेल्थ के लिए गोल्स हैं, या फिर आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसे सीक्रेट बताए गए हैं जो कि हर कोई अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग उसको अप्लाई करें। अगर आप उसको डेली रूटीन में अप्लाई करेंगे, उसका जो इफेक्ट आएगा उससे आप सरप्राइज हो जाएंगे। इसमें रियली मतलब कि जो थॉट प्रोसेस है आपका, बिल्कुल उसको चेंज कर देगा। ये थॉट प्रोसेस को इतना ज़्यादा पॉजिटिव ले आएगा, आपके जो लेवल ऑफ थिंकिंग है उसको इतना ज़्यादा हाई लेकर जाएगा कि आप अपने गोल्स की तरफ अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। आपको लगने लगेगा कि हाँ, मुझे ऐसा क्या सोचना चाहिए, मुझ में ऐसी क्या चीज़ें जो मुझे अपने आप में अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि मैं अपने गोल की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ जाऊँ। और जो मैं सेकेंड बुक बताने जा रही हूँ, अगर आप हमेशा वरीड रहते हैं ये जानने के लिए कि मुझे कौन सी हैबिट जो है वो अपने आप में डालनी चाहिए, सक्सेसफुल लोगों के बारे में कई बार हम न्यूज़पेपर में या बहुत सारी जगह पढ़ते हैं, तो ये जो बुक है ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये जो स्टीफन आर कवी इसके जो राइटर हैं उन्होंने ये बुक पूरी रिसर्च करके लिखी है, सक्सेसफुल लोगों से मीटिंग करके, उनके बारे में जानकर कि रियल में उनके ग्रोथ के लिए, उनके सक्सेस के लिए ऐसी क्या चीज़ें थी जो कि उनको उस तरफ बढ़ाती थी, उनको ग्रोथ की तरफ लेके जाती थी। तो इसमें जो 7 हैबिट्स हैं बहुत इजी हैं, आप में हर कोई इन हैबिट्स को फॉलो कर सकता है। तो इन 7 हैबिट्स को रीड करने के लिए, उनके बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये जो हैबिट्स हैं ये धीरे धीरे आप में इतने चेंजेस ले आएंगी कि आपको लगने लगेगा कि हाँ, ये हैबिट्स जो थी ये मैंने इतने टाइम तक क्यों नहीं फॉलो करी। फ्रेंड्स, अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत जल्दी फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो, या पब्लिक में बहुत ज़्यादा इजीली मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, तो ये बुक आपके लिए है। ये जो बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, इसमें वो सब बताया गया है जिसमें आप फ्रेंड्स बहुत इजीली बना सकते हैं, आप अपने काम को कैसे किसी से इजीली करवा सकें वो बताया गया है, किसी के आर्ग्यूमेंट का कैसे रिप्लाई करें, किस तरीके से आप डेली रूटीन में लोगों के साथ डील करें, लोग आपको पसंद करने लगे, और ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो कि आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में डेल कार्नेगी ने लिखा है, और ये बेस्ट सेलर बुक है, आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। तो इस बुक पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आप उस वीडियो का लिंक देखना चाहते हो यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर जाके इस बुक की छोटी सी समरी भी सुन सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बुक आपको बाय करनी चाहिए या नहीं। ये जो बुक है इसमें बताया गया है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, कैसे आपको यूज़ लेना चाहिए, कैसे पॉजिटिवली एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट करना चाहिए, ये सब हमारे दिमाग का खेल है। तो अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें, अपने माइंड को किस तरीके से आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में डालें कि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं विद एग्जांपल। बहुत ही अच्छी बुक है और आपको जरूर रीड करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, हमने बहुत बार पढ़ा है कि
कि सक्सेसफुल लोग या ऐसे लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो उन लोगों से ज़्यादा अचीव करते हैं जो रात को लेट सोते हैं। तो ये जो बुक है ये उन लोगों के लिए है, द मिरेकल मॉर्निंग बाय हेल एलरॉड, जो कि सुबह उठ नहीं पाते हैं। बहुत सारे टिप्स वो अप्लाई कर चुके हैं, बहुत सारे ट्रिक्स लगा चुके हैं सुबह जल्दी उठने के, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और वेकेशंस तो स्पेशली वैसे भी लोग देर तक सोते हैं, लेकिन अगर आप इस बुक को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्यों सुबह जल्दी उठने वाले लोग बहुत ज़्यादा काम रिलैक्स रहते हैं, अपने काम में उनको बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं रहती है, बहुत इजीली वो अपने टास्क कंप्लीट कर लेते हैं और उनको इतना टाइम मिल जाता है कि वो अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा कर पाते हैं। तो इसमें वो सब टिप्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी सुबह जल्दी उठने में। सुबह जल्दी उठने के बाद में क्या करना चाहिए वो सब बताया गया है। सुबह का आधा घंटा या एक घंटा किस तरीके से यूज़ करें, किस तरीके से यूटिलाइज़ करें, क्यों पूरा दिन इतना प्रोडक्टिव रहे कि आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ आधे घंटे में ऐसा करा है जिससे कि मेरा पूरा का पूरा दिन बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक्स हैं ये ज़रूर रीड करनी चाहिए आपको। वेकेशन में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर पाएँ, तो इन बुक्स को आप हमेशा अपने पास में कैरी कीजिए। कहीं आप जर्नी में जा रहे हैं या कहीं हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारा टाइम मिल जाएगा इनको रीड करने का। इसके अलावा जो समर के डेज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जो कि हम इधर उधर ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो इन बुक्स को रीड करने के बाद में आपको लगने लगेगा कि मुझे ये बुक्स पहले रीड करनी चाहिए थी, इससे मुझ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। तो डेफिनेटली आप में भी बहुत चेंजेस आएगा। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।